नमस्कार, मैं हूं अभय शुक्ला और आप देख रहे हैं खबरों की दुनिया। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। आगरा में एंटी करप्शन टीम ने सहायक अध्यापक की शिकायत पर बीआरसी सेंटर फतेहाबाद पर तैनात बिल बाबू को हजारों की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। शिकायतकर्ता भोला सिंह गुर्जर प्राथमिक विद्यालय पूरा गुगरन ब्लॉक फतेहाबाद में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त है। सहायक अध्यापक के 8 महीने के वेतन का बिल का एरियर बनाने के एवज में बिल बाबू राहुल गुप्ता द्वारा 10,000 की रिश्वत मांगी जा रही थी, जिसकी सूचना पर एंटी करप्शन टीम ने योजना बनाकर शिकायतकर्ता द्वारा दिए जाने वाले 6,000 पर पाउडर लगाकर शिकायतकर्ता को इस आशय के साथ दिए गए कि वह आरोपी के मांगने पर इन्हीं रुपयों को रिश्वत के रूप में देगा। सोमवार को राहुल गुप्ता अवंतीबाई चौराहे पर रिश्वत लेने आया और शिकायतकर्ता द्वारा उसको वही पाउडर लगे हुए 6,000 रुपए के रिश्वत के रूप में दिए गए। तभी वहां मौजूद भ्रष्टाचार निवारण की टीम ने राहुल गुप्ता को रिश्वत के 6,000 के साथ मौके से गिरफ्तार कर लिया। वही संबंध में एंटी करप्शन टीम ने थाना फतेहाबाद में अभियोग पंजीकृत कराया गया है। एक शायद अध्यापक हैं श्री भोला सिंह जी, ये पूरा गुगरन में सहायक अध्यापक हैं। इनका 8 माह का एरियर था पेंडिंग जी, करीब 3 लाख रुपए। तो उसको बनाने के एवज में एक बाबू थे, इसमें श्री राहुल गुप्ता जी, ये इनसे पैसे की मांग कर रहे, 10,000 रुपये मांगे थे, फिर 6,000 रुपये की बात हो गई। तो आज उनकी शिकायत पर ट्रैप टीम आगरा ने छापा मारकर इनको रंगे हाथ रिश्वत देते हुए गिरफ्तार किया, लेते हुए ये था। ठीक, आगरा से केकेडी न्यूज़ संवाददाता राजा गुप्ता की रिपोर्ट। तो ये थी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए केकेडी न्यूज़।